देख रहे ब्रांड के न्यूज चैनल सच का साथ। इस वक्त की खबर जनपद शामली से आ रही है। थाना भवन गड्डी पुख्ता पुलिस एवं एसएमओ के लुटेरों से हुई मुठभेड़, देखिए हमारी रिपोर्ट। दिनांक 23 फरवरी 2021 को शाम करीब 7 बजे प्रिंस पुत्रवंशी निवासी ग्राम विदाना अलेवा चंदपा चिंद हरियाणा जो करनाल हरियाणा स्थित भारत फाइनेंस इंक्लूजन लिमिटेड कंपनी के मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं, ग्राम बुंटा से फाइनेंस के पैसों का कलेक्शन कर करनाल हरियाणा मोटरसाइकिल पर वापस लौट रहा था कि जाफरपुर फैक्ट्री के पास मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने मोटरसाइकिल से टक्कर मारकर कंपनी के कलेक्शन के लगभग 1 लाख रुपए की धनराशि, 2 ATM कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कंपनी का टैब, बायोमेट्रिक मशीन आदि तमंचे के बल पर लूट कर ले गए। घटना के संबंध में थाना भवन पुलिस को सूचना मिलने पर तत्काल घटना स्थल पर पहुंचे। साथ ही सूचना पर पुलिस अधीक्षक शामली और पुलिस अधीक्षक शामली क्षेत्र अधिकारी थाना भवन मौके पर पहुंचे हैं और बदमाशों की घेराबंदी का धर पकड़ के लिए जनपद में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। 23 फरवरी को अर्थात कल थाना भवन थाना क्षेत्र में एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट के साथ कुछ बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी और उसके बाद तत्काल थाना प्रभारी द्वारा मौके पर जाकर वहां पर जायजा लिया गया था। मेरे व अन्य अधिकारियों के द्वारा भी वहाँ पर मौका मुआयना किया गया और तत्काल SOG सर्वेलांस और 2 थानों की टीम बनाकर तत्काल कार्रवाई हेतु निर्देश दिए गए थे और इसी क्रम में 10 घंटे से भी कम समय में इस लूट की घटना का अनावरण कर दिया गया है। इसमें सम्मिलित 2 अपराधियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस मुठभेड़ हुई है और 2 अन्य अधिकारी जो अभी फरार हैं उनकी भी तलाश में टीमें लगाई गई हैं, उनकी जल्द गिरफ्तारी जो है सुनिश्चित की जाएगी। इसमें अभियुक्तों ने पूछताछ में यह बताया है कि ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी के जो लोग कलेक्शन करने के लिए गांव में आते थे उनकी ये रेकी किया करते थे और इनको ये अंदेशा था कि इनके पास काफ़ी पैसा जो है कलेक्शन में होगा और इसी वजह से उनको सुनसान जगह पाकर लूट की घटना जो है वो कारित की गई थी। इसमें जो अपराधी पकड़े गए हैं इनका पूर्व में आपराधिक इतिहास भी रहा है और इनके पास से 2 अवैध हथियार और जो लूट में 1 लाख रुपए लूटे गई थी उसमें से लगभग 60,000 रुपये अभी बरामद कर लिए गए हैं और जो लूट में प्रयुक्त हुई मोटरसाइकिल है वो भी बरामद कर लिया गया। इन संबंध में जो थाना भवन है वहाँ पर अग्रेतर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन।